तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे सेवेंथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में जिसका नाम है प्लांट लाइफ साइकिल्स एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम यहाँ पर एक रिकॉल टेस्ट देखेंगे ताकि अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उन्हें आप इस टेस्ट के थ्रू रिकॉल कर सकें तो रिकॉल टेस्ट के क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर वन द कंडीशन वेयर स्टेमन एंड कार्पल आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर्स इज कॉल्ड ए मोनोशियस बी हर्माफ्रोडाइट सी डायोशियस डी नन ऑफ द अबव तो ऐसी कंडीशन जिसमें जो स्टेमन और कार्पेल है वो अलग अलग फूल पर प्रेजेंट है उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स इन एनजियोस्पम्स इज कॉल्ड ए स्टेमन बी कार्पल सी पिस्टल डी बोथ बी एन सी तो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है एनजियो स्पर्म के अंदर उन्हें हम किस नाम से जानते हैं हम यहाँ पर वीडियो को दो मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लें और आंसर्स नोट डाउन कर लें हमारे दूसरे क्वेश्चन हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट फॉर ट्रिपल फ्यूजन ए वन पोलर न्यूक्लियस वन स्पर्म सेल एंड वन एंटीपोडल सेल बी वन स्पर्म सेल एंड टू पोलर न्यूक्लिया सी टू स्पर्म सेल्स एंड वन पोलर न्यूक्लियस, डी टू सिनर्जिट्स एंड वन सेंट्रल सेल तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक सही कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना है जो आपको लगता है कि ट्रिपल फ्यूजन के लिए सही है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द लैंडिंग साइट ऑफ पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन ए ओवरी बी स्टिगमा सी स्टाइल डी कोरोला तो इनमें से कौन सी एक लैंडिंग साइट होती है पोलन ग्रेन्स के लिए पोलिनेशन के टाइम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो इज़ प्रोवाइडेड बाई ए एंडोस्पम बी कॉटिलिडन्स सी फ्रूट डी नन ऑफ दी अबव तो जो न्यूट्रिशन है डेवलपिंग एम्ब्रियो का वो किससे प्रोवाइड किया जाता है हम यहाँ पर वीडियो को तीन मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें और अपने आंसर्स कॉपी में नोट डाउन कर लें तो हमारे आंसर्स हैं सॉल्यूशन वन सी सॉल्यूशन टू डी सॉल्यूशन थ्री बी सॉल्यूशन फोर बी एंड सॉल्यूशन फाइव ए